मुताबिक चीन के विदेश मंत्री पीएम मोदी से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें सॉरी कह दिया गया। आखिर चीन के विदेश मंत्री को पीएम मोदी के साथ अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिली और इसके कूटनीतिक मायने क्या हो सकते हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। चीन को भारत का सख्त संदेश। सीना हटाओ तभी सुधरेंगे रिश्ते। विस्तारवाद के खिलाफ शंखनाद। आक्रामक चीन को दो टूक जवाब। ये दो तस्वीरें चीन के दोहरे चरित्र को उजागर कर रही हैं। पहली तस्वीर LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा की है, जहां चीन लगातार अपना सैन्य जमावड़ा बनाए हुए है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन की सेना LAC के उल्लंघन की फिराक में रहती है। हालांकि भारतीय सेना के शूरवीरों के पराक्रम के आगे उनकी एक नहीं चलती। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जहां चीन कूटनीति और शांति की बात करता है। चीन बातचीत की मेज पर सुलह समझौते की दुहाई देता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी गुरुवार को अचानक भारत दौरे पर पहुंचे। उन्होंने शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। वांग यी के साथ बैठक के बाद जयशंकर ने जो कहा कि जब तक चीन LAC पर अपनी फौज हटाकर हालात सामान्य नहीं बनाता है, तब तक भारत के साथ उसके रिश्ते सुधर नहीं सकते हैं। Clearly the border area situation is not normal. We have still ongoing friction areas. We've also made a lot of progress in resolving some other friction areas, and Pangong So is notable in that regard. So essentially our discussion today was to how to take this forward. Now you all know that the senior military commanders have been meeting. There have been 15 rounds. In fact, Naveen here has been attending those meetings as well. 2020 में गलवान घाटी में चीन की सेना ने भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला किया था, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत के शूरवीरों ने दिया था। उसके बाद से दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ गया था, जिसे कम करने के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच बातचीत से विवाद हल करने की प्रक्रिया चल तो रही है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत धीमी है। Our current situation as work in progress, obviously at a slower pace than desirable. सूत्रों के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग यी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन ये मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने चीन के विदेश मंत्री को मिलने का समय नहीं दिया। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने चीन के विदेश मंत्री को बताया कि पीएम मोदी व्यस्त हैं, उन्हें योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ जाना था, इसलिए ये मुलाकात नहीं हो सकेगी। दरअसल चीन के विदेश मंत्री का भारत दौरा पूर्व निर्धारित नहीं था। चीन सरकार की तरफ से भी इसकी घोषणा नहीं की गई थी, इसीलिए पीएम मोदी के साथ वांग यी का अपॉइंटमेंट भी पहले से फिक्स नहीं था। इसीलिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन्हें समय देने से विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया। लेकिन सवाल है कि क्या इसके जरिए भारत ने कूटनीतिक रूप से चीन को सख्त संदेश देने की कोशिश की। देखिए, अगर भारत के प्रधानमंत्री चाइना के विदेश मंत्री से मुलाकात के लिए मान जाते तो मुझे लगता है एक गलत संदेश होता। इससे चाइना को ये गलतफहमी होती कि शायद भारत का रवैया चाइना को लेकर नरम पड़ रहा है, और जबकि हकीकत यह है कि हमने चाइना को साफ साफ ये संदेश दिया है कि जब तक सीमाओं पर शांति, स्टेबिलिटी, पीस, ट्रैंक्विलिटी ये सब नहीं होगा तो हम किसी भी दूसरे क्षेत्र में बातचीत आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। चीन लगातार विस्तारवादी नीति पर अमल कर रहा है। वो पड़ोसी देशों को अपने आर्थिक और सामरिक जाल में फंसाने की कोशिश करता रहा है। नेपाल से लेकर पाकिस्तान और श्रीलंका में चीन ने विस्तारवाद का खेल खेला है, लेकिन भारत के सामने चीन की दाल गलने वाली नहीं है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया,
मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हो हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। चीन दुनिया पर बादशाहत का सपना देख रहा है। वो अमेरिका को सुपर पावर के सिंहासन से हटाकर खुद दुनिया का बॉस बनना चाहता है। भारत के साथ भी चीन दादागिरी के दाव आजमाने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन शायद चीन भूल जाता है कि ये नया भारत है जो दोस्ती और दुश्मनी दोनों को बखूबी निभाने की ताकत और हिम्मत रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.